गरियाबंद जिला मुख्यालय में मड़ई मेला की शुरुआत देवी देवताओं की पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद हुई। इस अवसर पर अंचल के विभिन्न गांव से देवी देवताएं पहुंचे हुए थे, जिनकी विशेष पूजा अर्चना कर लोगों ने क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होने वाले देव मड़ई मेला लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए यह मड़ई 4 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते गरियाबंद के इस मड़ई को लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मड़ई समिति नगर पालिका के साथ ही जगह जगह पुलिस बल तैनात है। गरियाबंद में मां शीतला मंदिर, कृषक पंचायत और मड़ई समिति के तत्वाधान में भव्य देव मड़ई मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 7 गांवों के देवी देवताएं और मड़ई डांग पहुंचे हुए थे, जो कि नगर के चंडी चौक में एकत्रित हुए, जिनके दर्शन को हजारों की संख्या में नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग पहुंचे हुए थे। देवी देवताओं के पूजा अर्चना के पश्चात मड़ई डांग को चंडी चौक से मेला स्थल सहित पूरे नगर में परिक्रमा भ्रमण किया गया, जिसके बाद मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई, जो कि हफ्ते भर चलेगा। गरियाबंद मड़ई मेला में सुरक्षा की दृष्टि से मड़ई समिति और नगर पालिका प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मुख्य मार्गों सहित चौक चौराहों में यातायात बाधित न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा मेला स्थल पर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के साथ ही गांधी मैदान में पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मड़ई समिति के नोहर सिन्हा, राम भरोस ठाकुर, सेवा गुप्ता, श्यामा गुप्ता, गप्पू मेमन, वीरू यादव, ऋतिक सेना, राजेश साहू, रिखी राम यादव, हेमलाल सिन्हा, भावेश सिन्हा, महेंद्र राजपूत, भागी कुंभकार, जीतू सेन, कपूर तारक, बाबा सोनी, मुकेश रामटेके, रमेश मेश्राम, अलख राम साहू, दीनू सिन्हा, त्रिलोकी सिन्हा, झाड़ू राम सिन्हा, लोकेश सिन्हा, मुकेश पांडे रूपरेखा तय करने में जुटे हुए हैं। 4 से 13 तक का ये मेला है, लेकिन 3 दिन तक लगातार भीड़ रहेगी। कल जैसे मड़ई का अवसर पे देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया गया, बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर लोगों को हर चीज़ की सुविधा दी है। और आगे भी हम नगर पालिका क्षेत्र में ये 3 साल के बाद मड़ई का अवसर है, इसमें मड़ई समिति और नगर पालिका बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और लोगों को मनोरंजन का एक साधन चाहिए था। कोरोना काल, अभी 2 बार लॉकडाउन हुआ, कोरोना के बाद ये पहला एक ऐसा अवसर है गरियाबंद में जो मनोरंजन के लिए चीज आई है, तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत उत्साह दिख रहा है लोगों में।